क्या आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे बेसन की सब्जी, शाही बेसन की सब्जी? मतलब आप इसे एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फूडी सिस्टर ब्रदर में। और आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज लहसुन के, और जो कि बहुत ही यमी बनने वाली है। तो आइए चलिए बनाते हैं फिर बेसन की सब्ज़ी। बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में जो है बेसन ले लेना है, दो बाउल हमने बेसन ले लेना है। ये देखिए, कम से कम ये 200 ग्राम के आसपास होगा। और उसमें हमने डालना है थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी कद्दूकस करी हुई अदरक, थोड़ा सा डालना है हमने हरा धनिया, थोड़ा सा नमक डालना है। अब जो है हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा बैटर बना लेना है इसका। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको घोलना है और एक ही साइड में घोलना है अच्छे से। देखिए, बैटर जो है हमारा रेडी हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा ना तो पतला करना है, हमने इसको फ्लोइंग ही रखना है, ठीक है। अब इसका जो है हमारा हम चीला बनाएंगे। चीला बनाने से पहले हमने जो है इसको 5 मिनट के लिए अब छोड़ देना है। अब 5 मिनट हम इसको छोड़ेंगे जब तक हम अपना आगे की तैयारी करते हैं। अब जब तक 5 मिनट के लिए हमारा जो बेसन का बैटर है रेडी हो रहा है, तब तक हम जो है तीन टमाटर लिए हैं हमने, उनको पीस लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा जो है अदरक। अब हम इनको जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए, अब हमने जो है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का जो है अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब हमारा बैटर भी जो है बेसन वाला रेडी हो चुका है, अब हम उसको चीला बनाएंगे। अब सबसे पहले जो है हमने एक पैन में जो है ऑयल ले लेना है। अब जो है हमने पैन में तेल डाल लिया है, अब हमने इसमें जो बैटर बनाया था उसको हमने डाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब हमने सारा बैटर जो है पैन में डाल दिया है। अब हम इसको दोनों तरफ से जो है अच्छे से सेक लेंगे। बैटर डालने के बाद जो है 1 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे जिससे कि वो अच्छे से जो है सिक जाए। तो चेक कर लेते हैं, एक साइड से जो है हमारा अच्छे से जो है ये पक चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी जो है इसको पलट लेंगे। ये देखिए अब ये इस तरफ से अच्छे से रेड हो गया है, दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। अब ये देखिए हमारा चीला जो है बहुत अच्छे से जो है पक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे, जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अभी सब्ज़ी के लिए जो है ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा दोनों तरफ से जो है बहुत अच्छे से सिक चुका है। कढ़ाई में जो है हमने तेल ले लेना है। अब तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है। सबसे पहले जो है हमने डालना है जीरा, फिर उसके बाद हमने डालना है इसमें 2 तेज़पत्ते, 2 हमने डालनी है हरी इलायची, थोड़ा सा डालना है हमने दालचीनी, और उसके बाद डालना है हमने हींग। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे एक बारी। अब इसके बाद जो है हमने जो टमाटो की प्यूरी बनाई थी वो हमने इसमें डालनी है। सबसे पहले डालनी है हमने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है क्योंकि इससे कलर जो है बहुत अच्छा आता है। फिर डालनी है हमने हल्दी, उसके बाद डालना है हमने गरम मसाला, फिर डालना है हमने धनिया पाउडर, और अब हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, अब हमारा मसाला भुन चुका है और थोड़ी सी देर इसको लगेगी पकने में। और कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है हमारी सब्ज़ी का, ये देखिए। और जबकि इसमें कोई प्याज नहीं है, कोई लहसुन नहीं है, इसको कोई भी खा सकता है जो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते हैं। ये ज़रूर ट्राई करें इस सब्ज़ी को। अब ये देखिए, अब हम इसमें जो है कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ी कसूरी मेथी को जो है आपने मसल के डाल लेना है अच्छे से। कसूरी मेथी से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जो इसमें मसाले में जो मेन हमारा जो इसमें रिच फ्लेवर देगा वो है हमारी फ्रेश मलाई। मैंने 1 कटोरी जो है फ्रेश मलाई ले ली है। अब हमारा मसाला पक चुका है, अब हम जो है इसको इसमें डालेंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से फिर से पकाएंगे एक बारी जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो एकदम मज़ेदार हो जाएगा कि आप एक बार खाएंगे ना तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। हमने जो चीला बनाया था अब हम इसको जो है कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पीसेस चाहिए। अब ये स्क्वायर पीसेस में मैंने जो है सारे पीसेस कट कर लिए हैं। आप इनको ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, जैसे भी आपने काटना है। और ये देखिए, ये इतना थिक जो है, इसकी थिकनेस जो है इतनी आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको इतनी मोटी जो है इसकी मोटाई जो है अच्छी सी लेनी है। बस अब ये हमारा रेडी हो चुका है। मसाला रेडी होते ही अब हम इन सबको मसाले में डालेंगे। अब जो हमने चीले बनाए थे वो अब हमने जो है इस मसाले में ऐड कर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे जितने भी हमने बनाए हैं वो हम सब इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने जो है इसमें पानी डालना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए बस पकाना है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया सब्ज़ी का। अब ये 10 से 15 मिनट मुश्किल से आपने इसको पकाना है।
नमक जो है हमने सबसे लास्ट में डालना है और नमक डाल के हमने 5 से 10 मिनट के लिए अब इसको छोड़ देना है पकने के लिए। अब ये देखिए, अब हमारी सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो चुकी है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। अब हम इसको जो है अब एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए ग्रेवी भी जो है इसकी कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए इतनी सुंदर दिख रही है और ये खाने में भी बहुत यमी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि इसके पीसेस देखिए कितने आराम से कितने सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए। अब ब्रदर जो हैं ये टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। लीजिए ब्रदर, अब आप टेस्ट कीजिए कैसी बनी है, बताइए। टेस्ट करने में तो बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। क्या आप भी खाना चाहते हैं ऐसी रेसिपी, तो बनाइए घर पे अपने और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।